किसी ने पूछा कि प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार, उत्तर में ऋषि का निराकार, ठीक है। और यहाँ फिर इसके बिल्कुल 155 पे किसी ने प्रश्न किया, 155 पृष्ठ पे सातवें समोल्लास में प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, यानी भक्ति करने वाले भगत के भगवान प्रार्थना करने से पाप छुड़वा देगा। उत्तर में ऋषि का नहीं। अब प्रश्नकर्ता कहता फिर भक्ति किस लिए करें, स्तुति प्रार्थना फिर किस लिए करें। उत्तर में ऋषि जी का कि उनके करने का फल अन्य ही है, और फल है। अब प्रश्नकर्ता कहता भी फिर और क्या फल है, जो भगवान पाप तो नाश नहीं कर सकता, फिर और क्या फल है। उत्तर महर्षि जी का कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निर्अभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। देख रहे यो, तो यो भांग पिया करता। 154 पृष्ठ पर तो क्या कह रहा है कि भगवान निराकार है, और दूसरे पर यूँ कह है भक्ति उपासना ते पाप ते नाश हो को नहीं, भक्ति साधना ते प्रार्थना स्तुति ते, इस ते उपासना से परब्रह्म से मेल हो जाएगा और उसका साक्षात्कार हो जा, यानी उसको देख सकते हैं, निराकार का खाक देखेगा। बता 154 पृष्ठ पर तो निराकार कह रहा है और आप पे 155 पर साकार सिद्ध करे। और फिर दूसरी थ्योरी इसने क्या बताई है कि परमात्मा अपने उपासक के भगत के पाप नाश नहीं कर सकता, तो प्रश्नकर्ता ने कहा भी फिर और क्या करेगा भगवान, कि इससे और लाभ है, और क्या लाभ है कि भगवान का दर्शन हो जाएगा। अकल देखो इसकी। जैसे किसी ने साबुन विक्रेता का बड़ा बोर्ड ला रखा और कोई उससे पूछता है क्या आप साबुन विक्रेता हैं, बहुत बड़ा प्रसिद्ध, तो क्या साबुन कपड़े के मैल छुड़वा देगा। अब वो उत्तर दे साबुन विक्रेता कि नहीं, कपड़े के मैल तो नहीं छुड़वाएगा। तो प्रश्नकर्ता तो स्वाभाविक कहेगा भी फिर साबुन का प्रयोग किस लिए करें, तो वो उत्तर देव है कि साबुन के प्रयोग से कपड़े का मैल तो नाश नहीं होएगा, लेकिन और लाभ है। वो क्या लाभ है कि कपड़ा मजबूत हो जाएगा। अरे जब साबुन के गुणों में लिखा है कि वो कपड़े के मैल काटे और काम में ही हो साबुन का, ऐसा व्यक्ति कौन होगा वो धोखेबाज जिसने लकड़ी के गुटके पैक रखे होंगे, पुड़िया बना रखी होंगी लकड़ी के टुकड़े की, गुटके की, और वो बेचता होगा कि साबुन तो मैल तो कटे नहीं, कपड़ा मजबूत हो जाएगा, दूना और कटेगा उससे। तो फिर अब जैसे कोई वैद्य है और वैद्य से कोई पूछता है कि वैद्य जी क्या औषधि प्रयोग करने से रोग नाश हो जाएगा, और वो वैद्य ये कहे कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं होगा। अब प्रश्न करता कह फिर भाई औषधि किस लिए खाएंगे हम, कि उससे और लाभ है, तो क्या लाभ है बताइए वैद्य जी, के पहलवान बन जाएगा। अरे दरागज हुई, जिसके टीबी की बीमारी हो वो पहलवान बनेगा, कम रहेगा, और रोग कटन की औषधि मिला है तो उसका स्वस्थ हो, अपन पहलवान हो जाएगा फिर वो। तो कहने का भाव ये है, ये सारे एक थैली के चट्टे बट्टे थे, ज्ञान किसी ने था नहीं, बोली जनता इनके पीछे लागी, न मेरे शीर बड़े साधु संत पहुंचे हुए और नो दिखा दे करके, न सोचे भाई कति भगवान ते मिल रहे, इन्हें कख भी नहीं पता, अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं, इन्हें झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ, ये बाद विदा चतुराई देखिएगा। अब इसने इस सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ये 18 पृष्ठ पे इसी सत्यार्थ प्रकाश के महर्षि दानंद ने प्रथम समोल्लास के इस 18वें पृष्ठ पे यहाँ मित्र की परिभाषा बताई है। क्या बताया कि वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। ये इसने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में परमात्मा के नामों की व्याख्या कर रखी है।
कि किन किन नामों से परमात्मा का बोध होना चाहिए। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि महर्षि दयानंद जी परमात्मा के नामों में से एक मित्र शब्द भी जहाँ ये प्रयोग करता है, जहाँ परमात्मा की महिमा है, तो ये सोच ले वो भगवान के विषय में। अब क्योंकि इसका विधान भी अपना सत्यार प्रकाश में ये है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, पाप छुड़वाता नहीं साधक के, तो यहाँ वेद में यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिख रखा है कि घोर पाप का विनाश परमात्मा कर देता है। तो इसने सोची तूने सत्यार प्रकाश में तो ऐसे लिख रखा है, अब तेरी बात झूठी ना हो जा, इसने यहाँ मित्र लिख दिया, भगवान ना लिखा। क्योंकि आम बोली भाल जनता ने इतना ज्ञान कहा, वो तेने सोचा ये कोई मित्र के विषय में लिख रखा होगा। जैसे सन 2004 से ये दास समाचार पत्रों में इस महर्षि दयानंद की जानकारी, इसके अज्ञान का समाचार पत्रों में लिख लिख कर लेख लिखा करता था, और ये बताया करता था कि ये महर्षि दयानंद सत्यार प्रकाश तो उसका अनुभव है, वेद भगवान का ज्ञान है, विधान है, तो जो वेदों से नहीं मिलता तो वो ज्ञान गलत है, और इस बात को ये महर्षि दयानंद भी मानता है। तो देखिएगा, महर्षि दयानंद कहते हैं कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, वेद कहते हैं घोर पाप भी नाश कर दे, तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश है, समाचार पत्रों में लिखना शुरू किया, इसी का परिणाम था ये क्रोथा कांड। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया समाचार पत्रों में कि रामपाल झूठा है, इसको संस्कृत आती नहीं, ये महर्षि दयानंद के क्या जाने गुड़ रहस्यों को उस 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मित्र के बारे में कहा है, भगवान के बारे में नहीं कहा। फिर दास ने ये सत्यार प्रकाश का थैला उल्टा कर दिया, उनका आगे देख यू गंध सा इसमें। अब हम फिर आ जाते हैं यजुर्वेद के, महर्षि दयानंद का अनुवाद है यजुर्वेद। अब हम फिर इसमें दिखाते हैं आपको, अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम यजुर्वेद के 8वें अध्याय का ये 13वां श्लोक, यहाँ तो संस्कृत है ओनली, ये 241-242 में अनुवाद किया है इसने। यहाँ ये अनुवादकर्ता स्वयं महर्षि दयानंद है, हे सबके उपकार करने वाले मित्र लिख दिया यहाँ पर, यहाँ लिखना था सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, और सत्यार प्रकाश में इसने स्पष्ट भी कर दिया कि सबका सच्चा मित्र साथी होने के कारण परमात्मा का नाम मित्र जानना, तो यहाँ मित्र मीन परमात्मा पढ़ेंगे हम। देखिए, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, आप दान देने वाले के ऐसे माने अपराध के विनाश करने वाले हो, नाश करने वाले हो, एवजनम हम संस्कृत भी पढ़ देंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है, और मनुष्यकृत से साधारण मनुष्यों के किए हुए अनस्य माने अपराध, अपराध कहो चाहे पाप कहो, अनस्य माने अपराध, अनस्य माने पाप कहो चाहे अपराध कहो, के विनाश करने वाले हो, पिता के किए हुए अनस्य माने पाप ही समझो, विरोधाचरणी पाप के, अवजनम माने अच्छी प्रकार हरने नाश करने वाले हो, अवजनम माने नाश करने वाले, विनाश करने वाले हो, आत्मकर्तस्य अपने किए हुए अनस्य माने पाप के, अवजनम माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो, अनस्य अनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के नाश करने वाले हो, जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वा करूँ हो, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वा करूँ, उस सर्वस्य माने सब अनस्य माने पाप के, इसने दड़ंगा डाण तो मतलब था पाप के अपराध के, एवजन माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो, ओए ओए। अरे ये नौका हम वेद भी पढ़े हैं, टट्टू वेद पढ़े इतने, जो वेद तो कहते हैं परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देते हैं, ये नौके प्रारंभ में जो लिख दिया वो फाइनल है, ये इनकी मनगणत कथाएं हैं, ये जनता के जो है ना शत्रु बन करके पृथ्वी पर उतरे हैं, और विशेष कर जो ये कहता है कि भगवान है ही नहीं, फिर अध्यात्म भी कहे अपने आप को, अध्यात्मिक भी कहता है,
तेरा गजब हो, हे भगवान। अपना आत्माओं थोड़ी सी कलाबाजी इसकी ओर दिखाते हैं। ये जो पारखी संत हैं, ये परमात्मा की उस वाणी को, बीजक को सत मानते हैं, ओनली बीजक को। पुण्यात्माओं, जिसने हल्दी की गांठ ले ली और उससे पंसारी का बोर्ड लगा लिया, वो एक हल्दी की गांठ से पंसारी नहीं बनता। कबीर परमेश्वर की सर्ववाणी ही मान्य है, पवित्र कबीर सागर और कबीर साखियां, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर साहिब की ये कबीर बीजक, ये सभी परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। इसमें थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। इस कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ में सबसे पहली वाणी है, ये देखिएगा, ये है सतगुरु वे नमः और सतगुरु कबीर विरचित। कबीर बीजक तो कबीर साहब द्वारा रचित है, अनुवादकर्ता गलत है। ये पारख सिद्धांत इनका, ये पारख सत्यमेव जयते, यहाँ लिखना था झूठमेव जयते, सत्यम तैव जीतेगी। देखिए ये व्याख्याकार है अभिलाष दास, ये प्रथम भाग है। ये कहाँ से छपा है, वही प्रकाशक है, कबीर पारख संस्थान, संत कबीर मार्ग, प्रीतम नगर, इलाहाबाद। ये मुद्रक है वही, इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद। ये देखिएगा इसमें क्या लिखा है, बीजक प्रथम रमणी है, बीजक की ये प्रथम रमणी है। ये देख इसमें क्या लिखा है परमात्मा ने कि अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेउ न जाने आदि और अंता, बाखिर एक विधाता की ना, और चौदह ठाहर पाठ सोलीना। अब इसने के अर्थ किया है इसका, इस रमैणी का, यहाँ तो इसने तो को दस प्रश्न भर दिया अपने ज्ञान को डकने के लिए। ये क्या कहता है, सभी देवधारियों के भीतर एक ज्ञान ज्योति है जिसे जीव चेतन या आत्मा कहते हैं। इसने तो जीव को परमात्मा सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। मानव की कल्पना और शब्द योजना रूपी नारी या माया से ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की उत्पत्ति स्थापना हुई। सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की कल्पना की गई। इन तीनों के बहुत से पुत्री और पुत्र किए। बता यो नौ कह है कि सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश, ये काल्पनिक नाम है। अपने आत्माओं इसमें क्या बताया है, इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं दूसरे कबीरपंथी, यो भी कबीरपंथी को आता है, एक और कबीरपंथी एक बहन ने अनुवाद किया है, उसमें कितना अंतर है। ये है विवेक प्रकाशनी सतगुर कबीर साहिब कृत बीजक, बीजक इसका टीका किया है टीकाकार साध्वी ज्ञानानंद जी, ये कोई ज्ञान कौर होगी, ज्ञानानंद जी नाम इसका। और ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा, सतगुर कबीर साहिब कृत बीजक, बीजक टीका, टीकाकार ये वही प्रकाशक हैं, श्री कबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र, संत कबीर ज्ञान मार्ग, सीहोडी है सिरसिया, गिरिडीह है झारखंड से, तृतीय संस्करण, और ये यहाँ से छपी है। अब इसमें क्या किया है, इस बहन ने इस टीका को बहुत अच्छी तरह किया है। देखिए ये बीजक टीका, ये प्रथम रमेणी, इसमें क्या है, अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेउ न जाने आदुरंता। अंतर ज्योति सबके भीतर बसने वाली आत्म ज्योति, निअक्षर ब्रह्म, सबके भीतर आत्म ज्योति के रूप में बसने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर से आदि नाद और एक प्रकृति प्रकट हुई। अनादि और प्रकृति के संयोग से सृष्टि के आधारभूत विष्णु ब्रह्मा और शंकर सत्गुण रजगुण तमगुण उत्पन्न हुए।
तत्पश्चात प्रकृति आदि सहित इन त्रिदेवों तीनों गुणों से अनंत क्षत्रिय पुरुष हुए, परंतु वे लोग भी अंतर ज्योति परमात्मा के आदि अंत को नहीं जान सके। वाखरी एक विधाता किन्ना चौदह ठहर पाठ सोलीना हरिहर वर्मा महंतो नाऊ तीन पुन तीन बसावल गाऊ। अपुनात्माओं, इस अभिलाष दास ने तो मिथ्या कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल्पनिक हैं। कबीर साहब की वाणी स्पष्ट करती है कि परमात्मा ने अंतर ज्योति यानी ये प्रकृति जो है नारी, इस ज्योत स्वरूपी काल के शरीर में प्रवेश कर गई थी, वो परमात्मा ने इसको बाहर निकाला। उसके बाद फिर इन दोनों के संयोग से, इस ज्योत स्वरूपी काल के और प्रकृति के संयोग से, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। तो पुण्यात्माओं, ये और देखिएगा, आगे दिखाते हैं आपको इसने कैसी अटकलबाजी की, ये देखना। ये तो अभिलाष दास की है टीका जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये 53 पृष्ठ पर ये प्रथम प्रकरण है, ये यहाँ देखना। इसमें एक शब्द है नीचे, यरमेणी प्रथम है, प्रथम आरंभ कौन को भऊ, दूसर प्रगट किन सोठऊ, प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथम भक्ति कीन जीव उक्ति, प्रगटे पवन पानी, और ये सारा कुछ लिखा। फिर क्या बताया है कि जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास, और कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। है बता, ये कबीर साहेब बीजक में इस अभिलाष दास जी ने स्वयं प्रमाणित ले रखी है कि ये वाणी सच्ची है, जो कबीर साहब की वाणी लिखी है, ये कबीर साहब की वाणी है। और इसने इसका अनुवाद कैसे किया अड़ंगा, देखो ये 54 पृष्ठ पर बीजक, इसने यह अनुवाद किया कि जीव से ही शिव यानी ईश्वर देव आदि की कल्पना प्रकट हुई। ये काल्पनिक मानता है, पीछे से कल्पित पदार्थ ही स्वामी बन बैठे और कल्पना करता जीव उनके दास बन गया। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्म स्वरूप की ही आशा भरोसा है जिसका राम नाम है। ये जीव को राम सिद्ध करने की कह रहा है, जिसका राम नाम है, और अर्थात मेरा निरंतर विश्राम आत्म स्वरूप में है। ये घुमा फिरा के कहना चाहे है कि जीव ही ब्रह्म है, और जबकि इस वाणी का प्रत्यक्ष अर्थ देखिएगा, ये वाणी जो 53 पृष्ठ पर है, यहाँ तो ये वाणी है, आगे उसका अपना अड़ंगा अनुवाद है। जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास, शिव माने परमात्मा। ये केवल शिव, ये शंकर के लिए नहीं है, वेदों में शिव माने सर्वशक्तिमान, जो सबका कल्याण करने वाला। जीव और शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास, यानी जीव तो उसके दास हैं, परमात्मा उनका मालिक है। कबीर और जाने नहीं, यानी तुम और मत जानो एक राम नाम की आसे। कितना स्पष्ट है, अरे इस नडंगा के करा देख, इस दुनिया के नाश करने वाले ने, भक्ति का नाश करने वाले ने, जीव से शिव यो ईश्वर देव आदि की कल्पना प्रकट हुई, कल्पना, और पीछे से कल्पित पदार्थ भी स्वामी बन बैठे, और कल्पना करता जीव उनके दास बन गए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्म स्वरूप की ही आस भरोसा है। बता, आत्म स्वरूप की खाक भरोसा है, गदय का गदय के भरोसा, बता है तेरा गे जो भैया। अब देखो इसका, इस बहन जी ने कैसे टीका किया है, ये भी कबीर पंथी है, देखना। ये आपको दिखा दिया था, अभी बार बार इनके प्रकाशक दिखा नहीं पाऊंगा। अब इसकी तीसरी रमैणी में ये है, इस बहन के द्वारा अनुवाद है, ये चौथी रमैणी नीचे है, ऊपर तीसरी का लास्ट में है। जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास, और कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस।
अब इस बहन ने कितना अच्छा अनुवाद किया है, इस तरह जीव और ईश्वर प्रकट हुए, ईश्वर स्वामी हुए और सभी जीव दास हुए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं अन्य किसी को आराध्य नहीं मानता, परंतु सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सबको प्रकट करने वाले राम के भजन की ही आशा करता हूँ। ये बिल्कुल सही अनुवाद है। अरिष्ट नास्तिक न भक्ति नाशक न, इसने इसका के अनुवाद कर रखा है, एक बार फिर पढ़ो, या अंग्रेजी जल्दी सी समझ में ना आओ आपके। अब ये फिर अभिलाष दास वाली पढ़ो आप, ये इसका प्रकाशक है ये, और इसके देखना, या तीसरी रमणी, या प्रश्न नंबर 53 पर हमने पहले भी पढ़ी थी, एक बार फिर देख लो, या तीसरी रमणी के लास्ट में है, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास। इसमें बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है कि जीव यानी जीव और शिव परमात्मा, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास, वो एक सबका मालिक है, बाकी जीव उसके अधीन है, उसके दास है। फिर देखो, और कबीर साहब कहते हैं कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। और इसने केड़ंगा कराया से इस नास्तिक ने, ये देखो 54 पे, जीव से ईश्वर देवादि की कल्पना प्रकट हुई है। ये उल्टा ठोक रहा है खुट्टे, नौके जीव तो भगवान प्रकट होया। देख इसका अनुवाद, जीव से शिव देव आदि की कल्पना प्रकट हुई, यानी जीव तो ईश्वर होया उत्पन्न, और पीछे से काल्पनिक पदार्थ स्वामी बन बैठे, काल्पनिक कर्ता जीव उनके दास बन बैठे, और कुछ नहीं जानता मुझे केवल उस आत्म स्वरूप का ही आशा भरोसा है, और जिसका नाम राम है, और मेरा निरंतर विश्राम स्वरूप राम में है, यानी अपने जीव राम में है, जीव राम की भक्ति करता हूँ मैं, इस ये कहना चाहे बता इसका कितना है ठिकाना। अपनात्माओं क्या क्या इनका विधान है ये थोड़ा सुनाता हूँ आपको। ये पारखी नहीं मानते कि कोई लोक है, सतलोक है, अमरलोक है, अगमलोक है, ये कबीर साहब को एक जीव मानते हैं, मानव मानते हैं, जब कबीर साहब भी जीव और अभिलाष दास भी जीव, फिर कबीर साहब को सतगुरु और क्यों मान लिया है नगेश देव। अब अभिलाष दास जी करके दिखाओ रचना कबीर साहब वाली, फिर उस कबीर साहब का सारा क्यों लिया है, अगर वो जीव ही थे तो। अपनात्मा जैसे आत्मा और परमात्मा, राजा और प्रजा दोनों एक जैसे ही शक्ल होती है, राजा भी मनुष्य ही होता है लेकिन उसकी सामर्थ्य में अंतर होता है। तो जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी को मिले, उन सभी ने उस परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, आंखों देखा सतलोक और सचखंड बताया। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, वहाँ की सारी स्थिति दिखाकर वापस छोड़ा, तब कहा था अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे और फिर उसी तरह वापस छोड़ा, तब उसने कहा था दोहु ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम उतरे हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। और कबीर परमेश्वर ने खुद कहा है कि ए स्वामी सृष्टा मैं, यानी सब का रचनहार मैं हूँ, और सृष्टि हमरे तीर, गरीबदास अधर बसु अवगत सत कबीर। और फिर परमात्मा ने कहा कि सुन रामानंद राम हम, यानी राम माने परमात्मा, हम हैं। अब जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उनके दर्शन किए, उन्होंने स्पष्ट किया है कि
हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा है कि फाई सुरत मुलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। करतार माने सबका रचने वाला, सबका स्वामी। अब इस ज्ञान से, सत्संग से पुण्यात्माओं को जो परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, उनको ये तो विश्वास हो चुका है, लगभग हो जाएगा नहीं तो ज्ञान सुनने से, कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, सतपुरुष है, सारे प्रमाण दास ने दिखा दिए। अब क्या समस्या आवेगी आपके समक्ष कि भाई यदि कबीर साहब ही भगवान हैं तो फिर बिल्कुल सही है, फिर तो कबीर पंथ में जितने महापुरुष हैं जो गुरु पद पर हैं, आम जनता जन साधारण के मन में, भोले भालों के मन में ये बात मन में आवेगी कि भी सबसे पुराना कबीर पंथ में कौन सा स्थान है, हमारे किया और बीमारी है, हम सबसे पुराने को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, अब भोली आत्मा उन कबीर पंथ के उन नकली संतों के जाकर फंसना जा, इसलिए अब थोड़ा सा ये सतर्क और करना पड़ेगा। एक हमारा सेवक बना सन 1998 में, और उसको ज्ञान हो गया कि कबीर साहब परमात्मा है दास के प्रमाणों से, तो उसके अंदर काल ने के प्रेरणा भर दी। अब कबीर साहब तो भगवान है ही, ये तो अंडरस्टूड हो गया, बुद्धिमान बच्चा था, लेकिन ये चतुरता है इस मार्ग में हानिकारक भी होती है। तो उसके मन में क्या दोष आया जो दास ने अभी बताया। उसने सोचा जब कबीर साहब ही भगवान हैं, और इस दास के बारे में सोचा ये तो अभी सन 1994 से नाम देने लगे हैं और ये तो बहुत नए से हैं, और कहीं ऐसा ना हो उन पुराने आश्रमों में उनके पास तो बहुत यथार्थ ज्ञान मिलेगा, जो उसने धारणा बना रखी थी परिचित नहीं होने दिया। और कहा जी ऐसे ऐसे हमारी इच्छा है कि कबीर बट देख कर आवें, बांधोगढ़ का वो स्थान देखें जहाँ धर्मदास जी हुए हैं। मैंने कहा चलो भाई देखाते हैं, संगत थोड़ी थी, थोड़े ही भक्त बने थे। सन 2000 में फिर हम कहाँ गए, कबीर बट है एक, ये गुजरात स्टेट में भरूच एक शहर है, भरूच शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है। मंगलेश्वर गांव के पास एक शुक्ल तीर्थ नाम का पहले एक गांव था, और उसमें जीवादत्ता नाम के दो ब्राह्मण भाई रहते थे, और वो परमात्मा के शिष्य हुए थे। उन्होंने ज्ञान सुना कि अभी पूर्ण गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया कि अभी हम जिस भी संत के विचार सुनते हैं हमने तो वो पूरा दिखाई देता है, अब हम कैसे निर्णय करें कि कौन सा पूरा है और कौन सा अधूरा है। तो उन्होंने अपनी ही सोच के आधार से एक फैसला कर लिया, निर्णय कर लिया कि हम अपने आंगन में एक सूखे वट वृक्ष की टहनी गाड़ेंगे, जैसे पौधा लगाते हैं यानी नीचे गड्ढा बनाकर, और इन महापुरुषों के चरणामृत ला करके चरण धो के और इस टहनी में डालेंगे, और यदि ये हरी होगी तो हम मान लेंगे पूर्ण गुरु है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जहाँ भी जिस संत का नाम सुना वहीं पहुँच गए, और उनसे प्रार्थना की दासों को चरणामृत दीजिए। अब संत इस बात से नकारा नहीं करते कि ले बेटा ले लो, उनके चरण धोएं और डाल के पात्र में घर ले आवें, आते उसमें डालते हैं, दो दिन बाट देखें, दो तीन दिन कुछ नहीं होता, हफ्ते दस दिन,
फिर दूसरे के पास जाएं, तीसरे के पास जाएं, सब जगह जा लिए जिनका बोलबाला था। ये उनको ज्ञान हो गया था कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है, और यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान मिले नहीं तो व्यर्थ है, और पूरे गुरु बिना भगवान नहीं मिले। सब संत कहते हैं, ऋषि और मंडलेश्वर कहते हैं, तो उन्होंने ये डिसीजन कर लिया कि हे परमात्मा, इस समय तो पृथ्वी पर कोई परम संत नहीं है, पूर्ण संत नहीं है, हम दोनों भाइयों की मृत्यु कर दो और किसी समय इस पृथ्वी पर संत आया हो पूर्ण, उस समय हमारी शेष आयु मनुष्य की दे देना दाता। कति फाइनल फैसला आत्मा से पुकार के और ये अर्ज की, और दोनों भाई मायूस रहने लग गए कि क्या बने इस जीवन का, है तो पूंजी नष्ट हो रही है। अब कहते हैं परमात्मा, दाहरी मेरे संत की मुझसे मिटैनी अंस। उसी समय हफ्ते 10 दिन के बाद परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में उस शुक्ल तीर्थ नाम के गांव में, जिसमें 30-40 घर थे ज़्यादा से ज़्यादा, पहले ऐसे छोटे छोटे गांव होते थे सभी, तो वहाँ गली में घूम रहे हैं और जीवा और दत्ता, जिसको तत्वा भी कहते हैं, उसके घर के सामने से और दूसरी गली में जा रहे थे, तो दत्ता बाहर आया। उस दत्ता ने देखा कि एक महात्मा जा रहा है, उसने अपने बड़े भाई जीवा से कहा कि जीवा, एक महात्मा जा रहा है, तेरी आज्ञा हो तो बुला लाऊं। अब जीवा कहने लगा, भाई रहन दे, क्यों जख्म को हरा कर रहा है, क्या करेगा बुला करके, ऐसे ऐसे मंडलेश्वरों को देख लिया, उनके पास कुछ नहीं हुआ। दत्ता ने फिर कहा, भाई मेरी तो इच्छा करती है संत को एक बार बुला लाऊं। जीवन का भी देख ले, फिर मैं क्यों तेरी आत्मा को दुखाऊं, बुला ले। इतने में परमात्मा वापस आ गए, जैसे किसी का घर खोज रहे हो। और दत्ता क्योंकि पुण्यात्मा थी, चरणों में मत्था टेका, हे महाराज आपके दास की झोपड़ी है, चरण रखना, आ जाओ यहाँ दर्शन देना, कुछ समय विश्राम करो। परमात्मा ने कहा, अच्छा भाई चलो। जाके जैसा भी कोई स्थान था बैठने के लिए दे दिया, कोई पीढ़ा मुढ़ा, परमात्मा बैठ गए। और कहता है दत्ता, कहाँ जी वो लाना, साधु के चरण धोवाएंगे, अपनी लाए कोई परात थाली और उसमें पानी डाल कर चरण धोए। अब जीवा कहता कि दत्ता ले जा इस जल को, चरणामृत को, और संतों के चरणामृत को गली में नहीं डाला करते, इसको अंदर डाल देना पौधे में। अच्छा जी। अब दत्ता गया आंगन में और ज्यों ही वो लगा डालने जल, डालते डालते ही वो सूखी टहनी जो गलने लगी थी नीचे थे, वो एकदम हरी भरी होगी। बोलो सतगुरुदेव। अब दत्ता ने कहा, जीवा आइए एक बार जल्दी आना। अब जीवा गया, क्या बात है, परमात्मा आगे, ये तो मालिक आगे, भगवान आगे, देखी एकदम हरी भरी होगी टहनी, वट वृक्ष यानी बड़की टहनी सूखी थी। दोनों भाइयों ने एक एक पैर पकड़ लिया, अरनु देखे मुंह की तरफ और रोए और कहने लगे, भगवान हम तो कति थक चुके थे और हमने मान लिया था कि इस पृथ्वी पर कोई संत नाम की चीज नहीं, ये भगवान आप पहले क्यों ना आए दाता, हमने बहुत खोज करी। परमात्मा कहने लगे, बेटा मैं आता जाता पहले भी,
तुम्हारी आत्मा से मैं खूब परिचित था, तुम्हारे हृदय की कसक से। यदि मैं पहले आ जाता और ये अरीब अरीबी हो जाती होनी थी, तो वैसे ये संत की पहचान नहीं होती, फिर भी मैंने तुम्हारी आस्था को देख करके यह लीला करनी पड़ी बेटा। यदि मैं पहले आ जाता और ये हरी भरी हो जाती, तुम उपदेश ले लेते, ठीक है, फिर तुम्हारे मन में यह धारणा और आती कि हो सकता है एक बहुत बड़ा मंडलेश्वर है, उसका बड़ा बोलबाला है, उसके हजारों की संख्या में शिष्य हैं, कहीं वो हमारे गुरु से भी अत्यधिक शक्तिशाली हो, तो तुम बेटा फिर धक्के फिर भी खाते। और उस समय जब गुरु बना लिया, उसके बाद मन में आपके ये धारणा आती, तो बेटा मेरे से भी खत्म हो जाते, क्योंकि गुरु के प्रति अविश्वास होने से नाम खंडित हो जाता है। गुरु बनाने से पहले खूब छानबीन करे, खूब हर तरह से उसकी परीक्षा करे, और उसके बाद अगर आपके मन में दोष आता है तो आपका नाम नहीं रहता, कनेक्शन कट जाता है। अपनात्मा ये परम संत के ऊपर लागू हैं ये सारे नियम, और हमने ला रखे नकलियां के ऊपर। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने कहा कि झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना लावे वार, झूठा गुरु हो तो तुरंत त्याग दे, और सही गुरु मिलने के बाद फिर मन में आपके कोई दोष रहता है, फिर आप नाम रहित हो जाते हो। तो बेटा मैं पहले आ जाता, तुम फिर भी धक्के खाते, मैं इसलिए देर से आया हूँ कि तुम्हारी सारी फड़क निकल ले, और तुम इन सारे संतों ने टटोल लो पहले, नहीं तो फिर बात बिगड़ जाती। तो दोनों कहने लगे, महाराज जी यह बात आपकी 100 की 100 सच्ची, 100%, क्योंकि आप तो एक सिंपल से आदमी और उनका बोलबाला, हमने कति परख के देख लिया, उनके पास ये शक्ति नहीं थी। फिर परमात्मा ने कहा, बेटा केवल यही एक उदाहरण नहीं होना चाहिए, एक संत की पहचान इस सब एक पॉइंट से नहीं होती, संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। अब सुनो मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ। परमात्मा ने उनको कई दिन तक अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान दिया। तो कहने का भाव ये है कि जो सुखी टहनी लगाई थी कबीर परमेश्वर जी के चरणामृत से, वह हरी भरी होगी थी, उस टहनी ने एक बहुत बड़े वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अब वो पूरा शुक्ल तीर्थ गांव भी वहां से खत्म हो गया, इधर उधर जाकर बस गए, क्योंकि वो एक टापू सा है, और उस टापू को नर्मदा नदी ने अपना चारों तरफ से घेर रखा है। वहां नर्मदा नदी, नर्मदा दरिया दो भागों में बंटकर आगे जाकर फिर एक होकर समुद्र में गिर जाती है। तो वहां टापू बना रखा था, वो टापू था वो मंगलेश्वर गांव। तो अब वहाँ कोई नहीं रहा, वहाँ जब टापुर में वो बदल गया तो बाहर आके अपने रहने लगे, वहाँ अकेला वो वटवृक्ष रह गया। उस वटवृक्ष के विषय में बताया है कि लगभग 900 एकड़ में का घूम गया, फैल गया, लगभग 600 वर्ष पुराना वो वटवृक्ष आज भी विद्यमान है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है, वो लगभग 1.5-2-3 एकड़ में अब भी है, और वहाँ कबीर पंथ का एक महंत पद से ये परंपरागत वहाँ एक आश्रम है उस वटवृक्ष के नीचे ही। और वो केवल महंत पदवी इसलिए रखी गई थी कि ये यादगारें, जो अद्भुत लीलाएं घटनाएं घटी हुई हैं, ये सुरक्षित रहें, इस पिछली पीढ़ी तक के कबीर परमात्मा के द्वारा की गई लीलाएं आज भी उनके अवशेष बकाया है। तो पुण्यात्मा उस वटवृक्ष को देखने के लिए हम गए बांधोगढ़ के अंदर, कुछ नहीं पाया। वहाँ उनका धर्मदास जी का लड़का था नारायण दास,
वो परमात्मा की शरण में नहीं आया था। फिर परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को अपनी कृपा से, 60 साल की उम्र हो चुकी थी उनकी धर्मदास जी की, तब एक संतान, एक पुत्र दिया था। उस पुत्र से उसका वंश चला था और उस पुत्र के साथ बड़ा बेटा हमेशा विरोध रखता था, उसके साथ जो है ना झगड़ा रखता था। उसने वहाँ से छोड़ दिया था बांधोगढ़, दूसरे छोटे लड़के ने कहीं और चला गया था, कुदरमाल वगैरह नाम बताया एमपी में। तो बांधोगढ़ में वो हमारे साथ था, वो हमारा सेवक, उसने बाद में बताई दास को फिर ये बातें। तो उसने जाकर के बांधोगढ़ में जो महात्मा से दिखे थे उनसे बात करी, अलग से चर्चा की, ज्ञान गुण की बातचीत की। फिर हम वहां से चल पड़े वट वृक्ष देखने। हम वट वृक्ष पर पहुंचे तो वहां एक महंत था, अच्छी गद्दी लगा रखी, एक झूला के ऊपर बैठा वो, और एक दो उसका सेवक उसको झुला रहा था। तो उससे उसने एकांत में बात करी, हम कहीं उधर उधर अपने बैठे थे, उससे पूछा जी सार नाम क्या है, सत नाम क्या है। वो कहने लग गया मुझे तो मालूम नहीं, मेरे मामा जी रहा करता यहाँ पर महंत, उसकी मृत्यु होगी, मेरी तो लकड़ी की दुकान थी, मुझे यहाँ बैठा दिया, मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या है। हाँ इतना अवश्य है कि ये वट वृक्ष के विषय में जानता था, बाकी सार नाम के बारे में मुझे नहीं मालूम। ऐसे हुआ बांधोगढ़ में, उन संतों से पूछा, उनने भी यही जवाब दिया, कोई कुछ बतावे कोई कुछ बतावे, ये मंत्र है ये मंत्र है। फिर हम पहुंच गए और कई स्थानों पर गए, बड़े बड़े जो कबीर पंथ के थे, तो सब जगह घूम के हम वापस आ गए। वहाँ चल बच्चे देख लेंगे, परमात्मा के स्थान है, अच्छी बात है। फिर आकर के उसने बताया, कहने लगा जी ये यात्रा मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। मैं कहा भाई ऐसी क्या बात है बताइए, कि मैं इतना नालायक और नीच व्यक्ति हूँ, उसने अपनी सारी गलती मान ली, कि मैंने ये सोचा था कि कबीर तो परमात्मा है ही है, कबीर जी तो इस मत को सकरा है को नहीं, सारे प्रमाण आपने दिखा दिए। तो मेरा नो शक था कि जब कबीर जी भगवान है तो इनके पूरे मेथड से कबीर पंथ के जो साधु संत हैं वो तो गर्क पावेंगे, कति सैचुरेट पावेंगे, वो तो परिपूर्ण होंगे। मैं बोला फिर भाई क्या देखा। मैं बोला बेटा अगर वो परिपूर्ण होते तो दास ने क्या जरूरत ये संघर्ष करने की, सबको मैं बताऊं इनका ज्ञान गलत, इनका ज्ञान गलत और ये ज्ञान सच्चा, और सभी बोली आत्मा भी नो सोचे रामपाल निंदा करता है, निंदक को और सच्ची बताऊं। तो उसने फिर बताया जी मैं ऐसे ऐसे किसी से पूछा भी महाराज जी सार नाम क्या है। उसने क्या बताया कि हाथ पर आटा ले लो, एक कबीरपंथी पुराने आश्रम का 60-70 साल का बूढ़ा, और नो कह हाथ में आटा ले लो और श्वास के निकट कर लो, और श्वास से उस आटे में कोई डिस्टर्बेंस ना होनी चाहिए, बस ये समझ लो सार शब्द है। वो कहने लगे अब मेरा तीसा पेटा भर गया, ऐसी दृढ़ता आई है भगवान, ये तो कति नरे खाखी बैठे हैं, किसी के पास भी कुछ कोनी। और फिर उसने बताई जी मेरे मन में इतना नालायक हूँ, मेरे मन में ये दोष आ गया था। मैं भाई कोई बात नहीं, यू तो आवेगा और इसका समाधान भी भगवान करेंगे, जिन पुण्यात्माओं पर रहम करेंगे। वो दिन है आज उस बच्चे को ऐसा दृढ़ निश्चय हुआ इस दास के इस सारे ज्ञान पे, और फिर उसका जीवन सफल हुआ, ना तो फिर मार खा जाता कि था। तो पुण्यात्माओं अब बोली आत्माओं के ऐसी समस्या और आवेगी। एक और परिवार था राधा स्वामी पंथ से आया था सन 2003 में, पूरा परिवार आया यहाँ पर दीक्षा ले ली क्रोताश्रम में और अच्छी लगन से लगे रहे। फिर उनके मन में भी यही दोष पैदा हो गया सारा ज्ञान समझ कर,
कि भाई दामा खेड़ा के अंदर धर्मदास साहिब जी की गद्दी से संबंधित संत बताए हैं। कोई सिर फिरा मिल गया उनको दामा खेड़ा के गद्दी का कोई भक्त, उसने बता दिया उनको कि पूर्ण मोक्ष चाहिए तो दामा खेड़ा गद्दी वालों से ही होगा, कबीर साहब ने उनको वरदान दे रखा है। अच्छा, उनको झाड़ा लाने का वरदान दे रखा, कनपेड़ झाड़न का। कबीर साहब ने तेनों बता रखा जो सच्चा नाम देगा उससे मोक्ष होगा, सतनाम ते वंश से नहीं नाद से होगा, यानी आज तक किसी ने देख लो नाद वाले जितने यानी वचन के से उनसे ही हमारा पंथ उजागर हुआ है, और जिसके पास सही नाम है उसी से मोक्ष होगा, किसी पीढ़ी से। उनका वह बात पक्की जचगी। अकराम पाल तक 5-4 वर्ष से लगा नाम देने, और वो तो बहुत पुराना बताया, यहाँ से छोड़ कर वहाँ चले गए धक्के खान। अब वहाँ जाकर पूछा, उन्होंने सतनाम प्राप्त हो चुका था, सारनाम तो मालिक ने कहा था भी थोड़ा सा और रोशनी हो लेने दे, फिर जल्दी दिया करेंगे, अभी तो थोड़ा खींच कर लेना है, समय बढ़ाना है। तो उन्हें जाकर पूछा, जी हमने नाम दे दो, दामा खेड़ा पहुँच गए। वो बोले भाई ठीक है बैठो नाम देते हैं। उनने सुना दिया पूरा शब्द, अजर नाम अमर नाम पाताले सब सिंधु नाम यही अंश का काम। वह देखे उनके मुंह की तरफ, वो कहने लगे सतनाम कौन सा होता, बोला ये है जो कुछ है, जो कुछ है बस यही है। अब वो वहां से तो खिसियानी बिल्ली होकर आ गए, उन फिर स्कीम बनाई, किसी से बताया कि वहाँ कबीर चौरा है काशी में, वहाँ परम संत पाओगे, वहाँ धक्के खाए। आखिर में वो भक्ति से हीन हो गए, यहाँ से भी गई। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, इस काल ने तो कई सिकंजे कस रखे, बहुत बंधन बांध रखे, पर अब ये सारे समाप्त करने पड़ेंगे। दास सारे समाप्त करेगा और ऐसा कर देगा इन सबको कि इनके पास खख नहीं, सबके जोड़े खाली करके दिखा दूंगा। अब देखो कबीर बीजक को ये सत मानते हैं, कबीर बीजक में ही ये अड़ंगा कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि राम नाम की आस है, परमात्मा के नाम की भक्ति होती है, और ये कहते हैं नाम नोम को जाप करने का नहीं होता, केवल ध्यान लगाओ, ये पारखी कहते हैं। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। और यही गीता जी बताती है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है मुझ ब्रह्म का, नथिंग एल्स, और इसका अंतिम श्वास तक शरीर छोड़ने तक सिमरण करता हुआ जाता है सयाति परमाम गतिम। वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है, और ये गीता जी को सत्य भी मानता है अभिलाष दास जी, और कहता नाम जाप करने का है नहीं इसमें, वो तेरे की। तो पुण्यात्माओं, ऐसे अज्ञानी के साथ भी और लाखों लोग चिपक गए बोली आत्मा, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं। तो दास चाहता है कि सबको मास्टर बना दूं और छोड़ दे इन जीवन नाशकों को, ये तो परमात्मा के मार्ग में कीड़े हैं, डीमक समझ लो, ये भक्ति का नाश कर रहे हैं, मनुष्यों के जीवन का नाश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान से परिचित होकर प्राणी पुणात्माओं अपने आप छोड़ के आओगे नकलियों को, और सतलोक आश्रम वाला माँ के कल्याण करवाओगे। बोलो सतगुरुदेव।